أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ऑनलाइन वाले काइंडली कंफर्म कर दें आवाज क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा? जी जी क्लियर है, क्लियर है, सही आ रही है आवाज आपकी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे सारे अहले कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का बड़ा करम है. जो दिन अल्लाह की याद में गुजर जाए और अल्लाह की राह में गुजर जाए वो सबसे बेहतरीन जिंदगी का दिन होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है और दोबारा हमें लाके उसके कलाम को समझने की बेहतरीन कोशिश के लिए अपने सामने बिठाया, तो इससे बेहतरीन दिन कोई हो ही नहीं सकता. अल्लाह ताला मेरी आपकी कोशिशों को कबूल करे और हम सबको ऐसा बना दे कि हमारा शौक और जोक कुरान पाक बन जाए, क्योंकि असल कामयाबी यही है. आगाज करते हैं पर आज की क्लास का. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बी इश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ्कहु कौली. रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा. अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन. अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्कन तय्यिबन वामला मुतकब्बला. या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक. या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक. या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक. रब्बी यसिर वला तुयसिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन. सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे वो सबके क्लियर हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन? सब समझ आएगा जल्दी से. मुझे कौन बताएगा कि कुरान ने करीम को बेहतरीन तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि कुरान करीम क्या है तो कौन इसकी डेफिनेशन जल्दी से बताएगा? जरूरी नहीं है आप वर्ड टू वर्ड वो बताएं, अपने वर्ड्स में बता दें. कुरान करीम जो है वो अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है, एक बहुत बड़ा मोजज़ा है. 23 ईयर्स के अरसे में हजूर पाक पर नाजिल हुआ, दो दफा नाजिल हुआ. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आया करते थे. इसके 60 या 90 नाम हैं जिनमें मुख्तलिफ नामों से अल्लाह ताला ने इस किताब का जिक्र किया है, अलफुरकान अलतंजील वगैरह. मोमिन का ये आईना है, ये हमारा एक तरह से मैनुअल है. जैसे हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है कि इसको कैसे चलाना है, क्या करना है, इस तरह कुरान मजीद में बताया गया है कि हमने जिंदगियां यहाँ पर कहाँ और कैसे गुजारनी है. लेकिन अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि उसने जब हमें जन्नत से उतारा तो हमें अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ा. उसने हमारी रहनुमाई के लिए पैगंबर और फिर नबी भेजे और फिर खातमुल मुरसलीन हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो कि कुरान मजीद का चलता फिरता नमूना थे. अब हमारा ये काम है कि हम अपनी जिंदगियों को कुरान के सांचे में ढालें और देखें कि हम इसके मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे हैं कि नहीं, और हमें आखिरत में अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देना है. हम तक पहुंचा नहीं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते. हमारे बाओजदाद क्या करते थे, हमारे माँ बाप क्या करते थे, इसके भी हम ये नहीं कह सकते कि उनको इल्म नहीं था तो वो करते थे और हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ये नहीं करते थे. ये कुरान खुली खुली हमारे सामने मौजूद है, हमने अपना हिसाब देना है कि हमने इससे क्या लिया है, क्या समझा है और उस पर कितना ज्यादा अमल किया है.
ये मौजे वाली किताब है। अरबों में जब शेर व शायरी का भी दौर दौरा था तो तब भी ये किताब एक मौजा थी, ये किताब आज भी एक मौजा है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये 1600 साल पहले नाजिल हुई तो इसमें जो बातें हैं वो बड़ी ओल्ड हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं अंग्रेज वगैरह और बाकी कौमें, लेकिन जब हम इस कुरान को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें तो हर वो चीज आज भी मौजूद है और ये एवर ग्रीन किताब है जिसमें आज जो हमें मसाइल पेश आ रहे हैं उनका भी हल मौजूद है और इसकी हर पेशन गोई जो है वो सच साबित हो रही है। और इसके नबी अकरम ने जो एक एक लफ्ज हमें बताया, जो हिकमतें बताई, जो बीमारियों के इलाज बताए, जो उठने बैठने के तरीके सिखाए, वो सब के सब आज के डॉक्टर और साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं। ये हर दौर की किताब है और ये हर लिहाज से काबिले अमल है। अल्लाह के रसूल ने हमें किसी भी चीज में तन्हा नहीं छोड़ा, उन्होंने हर चीज अमल करके बता दी है और ये किताब पढ़ने और समझने और अमल करने की किताब है। माशाल्लाह लकुता इल्ला बिल्ला, सब कहें सुभान अल्लाह मिसेस जावेद के लिए, इतनी बेहतरीन तरीके से आपने डिफाइन किया है। माशाल्लाह लकुता इल्ला बिल्ला, अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा करे। जल्दी से मुझे कोई बताएगा कि इंजाल और तंजील में क्या फर्क है? कोई भी इंजाल का मतलब है कि जो है ना कुरान पाक जो एक दफा ही लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ, और तंजील का मतलब है जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए में लेके आते थे, और इसमें ये मतलब टूट टूट के टूटी शक्ल में कुरान पाक नाजिल हुआ और 23 साल का अरसा लगा था इसमें। जबरदस्त तायरा साहिबा, अब मुझे ऑनलाइन वाले नहीं बताएंगे, अब मुझे ऑन साइट वाले बताएंगे। और एक जो मैम ने पहले बताया था ना उसमें मैं एक चीज का इजाफा करना चाहूंगी, जो कुरान पाक का उन्होंने तारुफ बताया था कि कुरान पाक दुनिया की वो ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है, और ये भी है कि इसका कोई शोशा एक लफ्ज भी बदल नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी प्यारी इल्म वाली सिस्टर्स बैठी हैं। आप ऑनलाइन वाले चुप रहेंगे और ऑन साइट वाले बताएंगे। जल्दी से मुझे कौन बताएगा कि हदीस क्या होती है? समर, हाँ बताओ, नरगिस बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबरदस्त। तकरीरी हदीस क्या होती है, कोई बताएगा? ऑनलाइन बता दें। तकरीरी हदीस वो हदीस होती है जो कि हजूर पाक ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की, जैसे कि आपने नमाज की मिसाल दी थी कि एक सहाबी आए, उन्होंने फर्ज पहले पढ़ लिए फजर के, उसके बाद दो सुन्नतें पढ़ी तो उनको याद आई तो वो पढ़ी, तो आपने उन पे खामोशी इख्तियार की, लेकिन आपने आगे से उनके साथ आर्गू नहीं किया कि ये नमाज ऐसे क्यों पढ़ी, उनके ऊपर खामोश रहे जो आपकी मौजूदगी में हुए, लेकिन आपने उन पे एतराज नहीं उठाया। बिल्कुल, और तकरीरी हदीस को हम कहते हैं साइलेंट कन्फेशन, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपनी रजामंदी कैसे जाहिर की खामोश रहकर। जल्दी से बताएगा कि हदीस कुदसी क्या है? ये वो कलाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं। जी, वो कलाम के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं और निस्बत अल्लाह सुभान व तआला की तरफ है। अल्लाह ताला का कलाम होने के तौर पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से आज का लेक्चर भी ले सकें। हदीस नबी से आगाज करेंगे। عن رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولا یسرو ولا تؤسرو وبشرو ولا تنفرو، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو۔ بخاری کی حدیث ہے 63۔ अल्लाह सुबहान ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 185 में, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है और वो तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं रखता। सूरह निसा आयत नंबर 28 में अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं अल्लाह चाहता है कि तुमसे तख़फीफ करे क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। सूरह हज आयत नंबर 78 में अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं इसने तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली। आज हम देखते हैं कि आज का दौर फितनों से भरा हुआ है और सबसे बड़ा फितना यह है कि दूसरे को आराम से काफिर कह देने का फितना, किसी को जाने बगैर, किसी की तकलीफ को जाने बगैर उस पर इतने इतने दीन से खारिज करने के फितने लगा देना, ये एक बहुत बड़ा अमल है। जो लोग दीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आते हैं,
या जिन्होंने एक जिंदगी गुनाहों की गुजार दी होती है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से वो दीन की तरफ आते हैं, जब वो दीन को फॉलो करना शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है, अपने बातचीत करने का तरीका, अपनी ड्रेसिंग, अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर से भी चेंजेस आ रहे होते हैं और फिजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, और हम नहीं जानते कि कौन किस जिंदगी के दौर से गुजर रहा है, उस पर क्या गुजरी है और वो किन मुश्किलात का सामना कर रहा है। किसी के लिए पर्दा करना बहुत आसान बात है, किसी के लिए पर्दा करना एक बहुत बड़ा अमल है, किसी के लिए झूठ को छोड़ना एक बहुत बड़ा अमल है, किसी के लिए फहाशी वाला रास्ता छोड़ना एक बहुत बड़ा अमल है। जब चीजें इतनी टेम्पटिंग लग रही हो, उस दुनिया से अपने आप को निकालना एक बहुत मुश्किल काम है, तब किसी को देख के ये कह देना कि तुम्हारा ये अमल दुरुस्त नहीं है, तुमने इस तरीके से नमाज पढ़ी है वो सही नहीं है, तुम्हारे तो कपड़े ही ठीक नहीं है, इनमें नमाज नहीं होगी, या तुम तो दीन से ही खारिज हो, ये वो कमेंट्स हैं जो आज सोसाइटी में बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि दीन को फॉलो करना है तो पूरा फॉलो करो, और अपने फतवे लेके किसी को बहुत आसानी से काफिर और दीन से बाहर निकाल देते हैं। मैं जिस दौर से गुजरी हूं, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैंने फेस की है। नमाज पढ़ने की कोशिश करना और फिर किसी का ये कह देना कि आपकी तो नमाज ही कबूल नहीं होगी, आपका ड्रेस ऐसा है, हालांकि ड्रेस पूरा होता था और कहीं भी कुरान में ये नहीं लिखा कि सिर्फ शलवार कमीज में नमाज होती है। दूसरी बात कि आपका ये अमल कबूल नहीं होगा, आप ऐसे हैं, आपका वो अमल कबूल नहीं होगा। एक बात याद रखें, जो दीन से दूर होते हैं ना, उनके लिए आसानियां पैदा कर करके उनको दीन की तरफ लाया जाता है। जब बच्चा कोई नमाज, कोई बंदा है जो नमाज पढ़ता ही नहीं, और अल्लाह हमें माफ करे, 99% अभी जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं, वी आर बॉर्न मुस्लिम्स, लेकिन हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान। अब एक बंदा नमाज नहीं पढ़ा, मैं उसे कहूंगी जी फजर भी पूरी पर और जोहर भी और इशा की तुमने 17 रकते पढ़नी है, उसे कितना भारी लगेगा। वो जो पढ़नी है वो भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि एक वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे। तो अगर किसी को ये कह दिया जाए कि बेटा फर्ज से स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता करो, अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करो, चेंज करो, अगर आधी बाजू पहन रही हो क्वार्टर पे आ जाओ, क्वार्टर से फिर फुल पे आ जाओ, गले में दुपट्टा लेती हो हल्का सा सर पे ले लो, फिर स्काफ पे आ जाओ, फिर अबाय पे आ जाओ, तो ये बेहतर तरीका है या डायरेक्ट हिट करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या फरमाया है, दीन में आसानी करो। याद रखिएगा, जितने रिलीजन्स आप पढ़े, सबसे आसान दीन इस्लाम है, और मुसलमान कौन होता है जो दूसरे मुसलमान के लिए आसानी करता है। बहुत से लोग जो दीन के नाम पे रिजिड हो जाते हैं या इतने सख्त हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि वो कैसे सबका दिल दुखा रहे हैं, कैसे सबके साथ एक अजीब सा मामला कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हमारे अल्फाज किसी की जिंदगियों पे क्या रिएक्शन ला रहे हैं। हो सकता है एक बंदा अपनी कोशिश में लगा हुआ है और आपका एक नेगेटिव कमेंट उसको उससे भी दूर ले जाए, वो कहे अच्छा मेरी नमाज नहीं होती, मैंने पढ़नी नहीं, अच्छा मेरा तो कोई अमल सही नहीं है, मैं फिर इतना शैतान के रास्ते पे चला जाऊं कि अपनी जात को भूल जाऊं। तो सब ने अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, क्या मेरी जबान इतनी सख्त है, क्या मैं जरा जरा से बात पे कुफर के फतवे तो नहीं लगाती। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि लोगों को खुशखबरी सुनाओ। इतनी जिंदगी में मैंने इतने दर्स अटेंड किए और हमेशा ये कहा गया कि अल्लाह सुभान व तआला जितना रहमान है रहीम है वो दोजख में डाल देगा, वो आग में डाल देगा, नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नुम में डाल देगा, ये नहीं करोगे पर्दा नहीं करोगे तो बालों से तुम्हें लटका देगा, और सो ऑन, बहुत बड़ी लिस्ट। ये हम क्यों नहीं कहते कि मेरे बच्चों अल्लाह सुभान व तआला इतना रहमान है, इतना रहीम है कि उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे वो 10 कदम तुम्हारे पास आएगा, तुम चल के जाओगे वो दौड़ के तुम्हें थामेगा, तुम एक दफा तौबा करोगे और वो तुम्हें माफ कर देगा। दीन की तरफ लाने का तरीका क्या होना चाहिए, खुशखबरी सुनाने वाला, ना के डराने वाला। और डरा डरा के क्या होता है, दिल बुरा, नेगेटिव वाइब्स जितनी आपके अराउंड होती हैं वो क्या करती हैं, आपको दीन से दूर लेके जाती हैं। आज हम कहते हैं कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, वाकई नहीं पढ़ते, माएं बिचारी कहती रहती हैं, वो तो क्या कहें, बार बार ये कहें कि भाई तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़े, तुम जहन्नुम में, नहीं मेरा बेटा मैं तो चाहती हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, आप भी मेरे साथ जाएं, प्लीज नमाज पढ़े, प्लीज करें,
किसी को भी अगर आप चाहते हैं कि दीन की तरफ आए तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? अच्छे तरीके से हमने उसको बुलाना है। मतलब क्या हुआ कि जो शख्स इस्लाम कबूल करे तो इब्तदाए इस्लाम में इसकी तालीफ की जाए और इस कदर सख्ती ना की जाए कि इससे दीन से नफरत पैदा हो जाए और वो दीन से भाग जाए। मैंने अपनी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स देखे हैं जिन्होंने कोशिश की दीन को फॉलो करने की, कुछ अहकाम अपनाए, लेकिन कुछ अरसे बाद वो उस पर कायम नहीं रह सके। वो मसला ही ये होता है कि इतनी सख्ती कर देते हैं, इतना उनको या तो इतना सख्त इर्द गिर्द का हल्का कर देते हैं कि सांस नहीं आता। आपने दीन को फॉलो करना है पूरा, ये नहीं कि अब मैंने जब शुरू में कह दिया कि नमाज आप थोड़ी पढ़े तो पूरी जिंदगी थोड़ी, नहीं। ईमान का लेवल जैसे बढ़ता है तो शुरुआत के लिए जो दीन में दाखिल हुआ है उसके लिए बहुत जरूरी है कि चलो शुरू तो करो, कहीं से आगाज तो करो, लेकिन फिर उस पर क्या करो, आहिस्ता आहिस्ता चीजों में जब इस्तकामा आती जाए तो बेहतरीन तरीके से करो। इब्तिदा में जिस शख्स के लिए आसानी हो बाद में वो सख्ती को भी बखुशी कबूल कर लेता है, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह सुबहान तआला की मोहब्बत जाग जाती है। उसे ये पता चल जाता है कि जो मैं हुक्म मान रहा हूँ मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ये तो मैं उसके लिए मान रहा हूँ जो मेरा बनाने वाला है, मेरा खालिक है और मेरा मालिक है। तारीख नजूल कुरानुल करीम देखें, कुरान करीम दरअसल कलाम इलाही है, इसलिए अजल से लोहे महफूज में है। कुरान करीम का इरशाद है सूरह बुरूज में, अल्लाह सुबहान तआला फरमाते बल हुआ कुरान मजीद फी लोहे महफूज, बल्कि वो कुरान बड़ी शान वाला लोहे महफूज में लिखा हुआ है। हमने इंजाल और तंजील की बात की थी, आज हम सबसे पहले उसके रेफरेंस पढ़ेंगे कि कुरान में कैसे हमें पता चला कि ये दोनों टर्म्स हैं। अब आपने जब भी कुरान पाक पढ़ेंगे तो गौर करिएगा, इंजाल का लफ्ज जहां भी आया है वहां पे मुराद ही यही है कि मुकम्मल कुरान पाक जो एक दफा नाजिल किया गया उसकी आयत उस तरफ रेफर करेगी, और जहां पे तंजील का लफ्ज आएगा वो वही मुराद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तदरीजन कुरान पाक नाजिल किया गया। तो सूरह बुरूज में अल्लाह सुबहान तआला ने हमें बता दिया आयत नंबर 21 एंड 22 में कि कुरान करीम शुरू से था और लोहे महफूज में वो लिखा हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें इंजाल, इंजाल जैसे हमने कहा था कुरान का एक साथ लोहे महफूज से आसमान दुनिया के बैतुल इज्जत जिसको बैतुल मामार भी कहते हैं, लैलतुल कदर के मौके पर रमजान के महीने में नाजिल होना, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजाल। कुरान करीम का इरशाद है सूरह दुखान में, अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्नकुन्ना मुंजिरीन, हमने इसे मुबारक रात में नाजिल किया है बेशक हमें डराना मकसूद था। आप देखिए इसका तर्जुमा, हमने इसे मुबारक रात में नाजिल किया है, मुकम्मल नाजिल कर दिया गया है। यहाँ पे अंजल नाहू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इंजाल को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए, क्लियरिटी देने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तंजील को तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर बतदरीजन 23 सालों में नाजिल होना, इसे कहते हैं तंजील। कुरान करीम का इरशाद है सूरह इसरा, सूरह बनी इसराइल भी जिसको कहते हैं, आयत नंबर 106 में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं वकुरआनन फरक़नाहु लितक़राहु अलन्नासी अला मुक़सिम वनज़लनाहु तंज़ीला, और कुरान को हमने जुदा जुदा करके उतारा कि आप इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ें, और हमने इसे रफ्ता रफ्ता हालात और मसाहले के मुताबिक तदरीजन उतारा है। और यहाँ पे अगर आप इस आयत को देखें तो यहाँ पे तंजीलन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका क्या मतलब है, बतदरीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल किया गया। जो हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी इंजाल और तंजील, इसकी हमें कुरान पाक से भी दलील मिलती है, और ये आयात आप नोट कर सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस। नज़ूले कुरान की ये दो सूरतें कुरान पाक के अंदाज़े बयान से भी वाज़े हैं। इसके अलावा निसाई रहमतुल्ला, बहकी रहमतुल्ला, हाकिम रहमतुल्ला, इब्ने अभी शैबा रहमतुल्ला, तिब्रानी रहमतुल्ला ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुतअद्दिद रिवायतें नकल की हैं जिसमें इंजाल और तंजील के डिफरेंस को प्रॉपरली हमें बताया गया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत से इतना मालूम होता है कि ये पहला नज़ूल लोहे महफूज से
आसमान दुनिया के एक मुकाम बैतुल इज्जत पर हुआ, जिसे बैतुल मामूर भी कहा जाता है, और जो काबतुल्ला के महाजात में आसमान पर फरिश्तों की इबादत गाह है। कुरान करीम बार बार नाजिल करने की क्या इसमें मसलहत थी कि ये बताना कि ये कलाम इलाही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, और इसकी इम्पोर्टेंस को डिफाइन करने के लिए। दूसरा नजूल, इस पर तकरीबन इतफाक सब का है कि कुरान करीम का दूसरा नजूल तदरीजी था। इस वक्त शुरू हुआ जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। इस नजूल का आगाज भी सही कौल के मुताबिक लैलतुल कदर से हुआ था। फिर हम आ जाते हैं, ठीक है, हमने समझ आ गई, क्लियर हो गया हमें इंजाल क्या है, तंजील क्या है। अब आप जब कुरान पाक पढ़ेंगे, जहां भी आप तर्जुमा पढ़े हैं, जहां पे नाजिल होने की बात आ रही है, तो प्लीज अरबी पे गौर करिएगा, आपको ये लफ्ज नजर आएंगे और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले नाजिल होने वाली आयात, सही तरीन कॉल ये है कि सबसे पहले जो नाजिल हुआ वो सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात है। अल्लाह सुबहान तआला सूरह अलक में फरमाते हैं, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इक्रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा किया, इंसान को खून पस्ता से पैदा किया, पढ़िए और आपका रब सबसे बढ़कर करम वाला है, जिसने कलम से सिखाया इंसान को सिखाया जो वो ना जानता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे और उनको क्या कहा गया, इकरा पढ़ो। सही बुखारी में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस वाक़े का ये बयान फरमाती है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल वही की इब्तिदा तो सच्चे ख्वाबों से हुई थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत में इबादत का शौक पैदा हुआ, और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई रातें गुजारते और इबादत में मशगूल रहते थे। यहाँ तक कि एक दिन उस गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की जानिब से फरिश्ता आया। कौन आए? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और इसने सबसे पहले बात यही कही, इकरा यानी पढ़ो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसके बाद खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया बयान किया कि मेरे इस जवाब पर फरिश्ते ने मुझे पकड़ा और मुझे जोर से भींचा कि मुझ पर मुशक्कत की इंतहा हो गई। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा कि इकरा। मैंने जवाब दिया, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने मुझे फिर पकड़ा और दोबारा इस जोर से भेजा कि मुझ पर मुशक्कत की इंतहा हो गई। फिर इसने मुझे छोड़कर कहा कि इकरा। मैंने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर इसने मुझे तीसरी बार पकड़ा और भींच कर छोड़ दिया और कहा इकरा, और फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को पे दर पर पढ़ते गए और फिर वापस घर की तरफ चले, तो आपका मुबारक दिल धड़क रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे और फरमाया, जम्मेलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें कंबल उड़ाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ जाता रहा। इसके बाद 3 साल तक वही का सिलसिला मुनक़िता रहा। इस जमाने को फितरतुल वही का जमाना कहा जाता है। फिर 3 साल बाद वही फरिश्ता जो आरे हिरा में आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान और जमीन के दरमियान दिखाई दिया और उसने सूरह मुदस्सर की आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। इसमें जमहूर उलमा के नजदीक सबका इतफाक है कि सबसे पहली वही या सबसे पहली आयात जो कुरान करीम की नाजिल की गई वो सूरह अलक की पहली 5 आयात हैं। अब अगर हम देखें कि पहली आयात तो हमें पता चल गया, अब आखिरी आयात के बारे में सारे उलमा क्या कहते हैं, इसके बारे में 3 अकवाल हैं। पहला कौल ये है, इमाम बुखारी ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत किया है, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाली आखिरी आयत सूद के मुतल्लिक थी, जिससे मुराद अल्लाह ताला का फरमान है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 278 को उन्होंने रेफर किया है। दूसरा कॉल जिसको उल्मा कंसिडर करते हैं वो ये है कि इमाम निसाई इब्ने मर्दुआ से इब्ने जरीर ने मुख्तलिफ तरीक से हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत किया, नाजिल होने वाली आखिरी आयत जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 281 है। तीसरा कॉल ये है कि इमाम इब्ने जरीर ने हजरत सईद बिन नुसैब से रिवायत किया है कि ने ये बात पहुंची कि नाजिल होने वाली आखिरी आयत कर्ज के बारे में थी, जो कि आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 282। पहले कॉल के मुताबिक क्या थी, सूरह बकरा की आयत 278। दूसरे कॉल के मुताबिक थी सूरह बकरा की आयत नंबर 281। और तीसरे कॉल के मुताबिक आखिरी नाजिल होने वाली आयत थी सूरह बकरा की आयत नंबर 282। इमाम सयूती ने कहा, मेरे नजदीक सूद की आयत और कर्ज की आयत के बारे में रवायत में कोई तजाद नहीं, क्योंकि जाहिर है कि ये आयत एक साथ नाजिल हुई, जैसा कि मुसहफ में इनकी तरतीब से जिक्र है, और ये सब एक ही वाक्य से मुतल्लिक हैं, तो हर रिवायत में बास हिस्से को नाजिल होने वाली आखिरी आयत कहा गया ये दुरुस्त है। कुरान करीम से सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत के बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है, अहले इल्म का इख्तलाफ है, चुनाचे इस बारे में मुतअद्दिद अकवाल हैं। अकवाल मैंने आपको पहले बयान कर दिए हैं। तमाम अहले इल्म ने अपने इज्तिहाद के मुताबिक राय कायम की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई चीज साबित नहीं जिसकी बुनियाद पे हतमी राय कायम की जा सके कि आखिरी नाजिल होने वाली आयत कौन थी। पहली नाजिल होने वाली आयात तमाम उलमा के नजदीक वो इस पे मुत्तफिक हैं कि वो थी सूरह अलक की पहली पांच आयात। इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, कुछ कहते हैं सूरह मुदस्सर थी, एक और ओपिनियन है कुछ, लेकिन ज्यादातर क्या इस बात को मानते हैं कि सूरह अलक की पहली पांच आयात, लेकिन आखिरी कौन सी नाजिल हुई इसमें इख्तलाफ है और हतमी तौर पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इल्मुल मक्की वल मदनी, के मक्का में कौन सी सूरत नाजिलें हुई और मदीना में कौन सी सूरत नाजिल हुई, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 साल के अरसे में कुरान नाजिल हुआ, वास्ते नबी के बाद 13 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में रहे और फिर वहां से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल कयाम पजीर रहे और इसके बाद जहान फानी से पर्दा फरमा गए। यही वजह है कि कुरान मजीद मक्का और मदीना दोनों मकामात पर नाजिल होता रहा। इस लिहाज से कुरान की सूरतों को मक्की और मदनी सूरतों में तकसीम किया गया है, लेकिन इसमें भी बहुत से डिफरेंट ओपिनियन। अब इस इल्म को कि कौन सी सूरत कहाँ नाजिल हुई, किस मकाम पे नाजिल हुई, इसको इल्मुल बयान में कहते हैं इल्मुल मक्की और मदबल मदनी। कुरान करीम का नज़ूल मक्का मुकरमा में शुरू हुआ और तकरीबन 23 साल तक जारी रहा। यह मुद्दत दो हिस्सों में तकसीम होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में हिजरत से कबल की मुद्दत और हिजरत के बाद मदीना में क़याम की मुद्दत। इसी बुनियाद पर कुरान मजमूई तौर पर मक्की और मदनी हिस्सों में तकसीम हो गया। हमारे सलफ सालेह में से उलमा और रिवायत करने वालों ने इन दोनों हिस्सों को अलग करने और हर एक की खसूसियत को दरियाफ़्त करने में बड़ी मेहनत की है। आज तो हम बाय अ क्लिक सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन पहले उलमा सलफ सालहीन तबा ताबईन जो थे वो इतना ट्रैवल करते थे, इल्म को हासिल करते थे और उसके सही होने की तस्दीक करते थे। तहतदुल मक्की वल मदनी, मक्की और मदनी को पहचानने के लिए क्या चीज़ें उलमा कंसिडर करते हैं। उलमा ने मक्की और मदनी के तौयन के बारे में तीन इस्तेलाहात बयान की हैं। पहली इस्तलाह, मक्की वो है जो मक्का में नाजिल हुआ चाहे हिजरत के बाद ही क्यों ना हो, और मदनी वो है जो मदीना में नाजिल हुआ, इसमें मक्का के इर्द गिर्द के इलाके भी शामिल है, लिहाजा जो आयात मिना, अरफात और हुदैबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई इन्हें मक्की शुमार किया जाता है। इसी तरह मदीना के इर्द गिर्द के इलाके भी मदनी में शामिल हैं, जैसे बदर, ओहद और सुलह में नाजिल होने वाली आयात मदनी शुमार की जाती हैं। ये इस्तलाही एतबार सिर्फ नजूल के मकाम पर मबनी है, लिहाजा इससे मुकम्मल हसर नहीं होता, क्योंकि कुरान में कुछ आयात ऐसी हैं जो मक्का और मदीना के अलावा दूसरे मकामात पर भी नाजिल हुई, जैसे सूरह बकरा की आखिरी दो आयात।
दूसरी इस्तलाह को देखते हैं। मक्की वो है जिसका खिताब अहले मक्का के लिए है और मदनी वो है जिसका खिताब अहले मदीना के लिए है। कहा जाता है कि कुरान में जो आयात या अय्युहन्नास या बनी आदम के अल्फाज से शुरू हों वो मक्की हैं, क्योंकि मक्का में कुफर गालिब था, लिहाजा इन्हें या अय्युहन्नास या बनी आदम कहकर मुखातिब किया गया, अगरचे दूसरे लोग भी इसमें शामिल थे। और जो आयात या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं वो मदनी हैं, क्योंकि मदीना में ईमान गालिब था, अगरचे दूसरे लोग भी इसमें शामिल थे। इस कौल पर एतराज़ किया गया है। ये कौल मुकम्मल ज़ाब्ता नहीं और इससे हसर साबित नहीं होता, क्योंकि कुरान में ऐसी आयात भी हैं जिनका खिताब दोनों गरोहों के अलावा भी है। ये तकसीम भी मुकम्मल और कती नहीं है, क्योंकि ऐसी मदनी आयात मौजूद हैं जो या अय्युहन्नास के अल्फाज से शुरू होती हैं और ऐसी मक्की आयात भी हैं जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं। ये तकसीम कुरान करीम की तारीख के मुताले में कुछ फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि इसमें वक्त के पहलू को नज़रअंदाज किया गया है। तीसरी इस्तलाह, मक्की वो है जो हिजरत से पहले नाजिल हुआ और मदनी वो है जो हिजरत के बाद नाजिल हुआ, चाहे इसका नज़ूल मक्का ही में क्यों ना हुआ हो। ये इस्तिलाह तीनों में सबसे दुरुस्त और मशहूर है और कबूलियत के लायक है, क्योंकि इसमें नज़ूल के वक्त को मद्देनज़र रखा गया है जो नासिख और मनसूख को समझने और अहकाम के इस्तनाबात में अहमियत रखता है। इसी बुनियाद पर सूरह मायदा की आयत नंबर 3 अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम मदनी है, हालांकि ये जुम्मे के दिन अरफा में हिजतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई। तो अगर कोई कहे कि आप डिफाइन करें कि मक्की क्या है और मदनी क्या है, तो आप ये कहेंगे कि मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, ख्वाह वो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई या कहीं और मदनी सूरतें कौन सी हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, कता नजर इसके कि वो मदीना में नाजिल हुई या किसी और मकाम पर। तो पहले जो मैंने आपको तीन इस्तलाहें बताई वो सिर्फ इसलिए बताएं कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बनते जाते हैं, फिर देखते हैं कि उल्मा का किस पे प्रॉपरली वो किस बात पे ग्री हो रहे हैं, कौन सी बात ज्यादा प्रॉपर है, फिर उसको फॉलो किया जाता है। अत्तरीकतुल मौसूलतुल इला मारिफतिल मक्की वल मदनी, मक्की और मदनी की पहचान का तरीका। आइए देखते हैं कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी सूरत मक्की है और कौन सी सूरत मदनी है। मक्की और मदनी की पहचान का वाहिद तरीका सहाबा और ताबईन की सही रिवायत है। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे और तमाम वही के अहकाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुए, किस मौके पे क्या वही नाजिल हुई, वो अपनी आँखों से विटनेस करते रहे और सही रिवायात से हमें बहुत सी सूरतों के बारे में कि वो मक्की हैं या मदनी पता चलता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्की और मदनी का कोई बयान मनकूल नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों को इस वक्त इस बयान की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद नज़ूल वही के वक्त मकाम और असबाब के गवाह थे। ये साबित है कि सहाबा कराम के इंतहाई एहतियात के साथ हिफाजत करते थे और वही के नज़ूल के मौके को याद रखते और हर आयत के नज़ूल के वक्त और मकाम को रिकॉर्ड रखते थे। इमाम बुखारी ने हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, उन्होंने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की किताब की कोई आयत ऐसी नहीं जो नाजिल हुई हो और मुझे मालूम ना हो कि कहाँ नाजिल हुई है, और कोई आयत ऐसी नहीं जिसके बारे में मुझे मालूम ना हो कि किसके बारे में नाजिल हुई है। मुझे ऐसा शख्स मिलता जो मुझसे ज़्यादा अल्लाह की किताब का इल्म रखता हो और ऊंट इस तक पहुंचा सकते तो मैं ज़रूर इसके पास जाता। मक्की सूरतों की खसूसियात क्या हैं? नंबर 1, जिस सूरत में लफ्ज़ कल्ला हरगिज आया है वो मक्की है। नंबर 2, जिन सूरतों का आगाज हरूफ मुकत्तआत से होता है वो मक्की हैं, सिवाय सूरह बकरा और सूरह आले इमरान के जो इत्तफाकन मदनी हैं, जबकि सूरह राद में इख्तलाफ है। मक्की सूरतें छोटी मुफस्सल होती थी। मक्की आयात की ताकीद ज्यादातर वही और माशरे की बुतपरस्ती और शिर्क से पाक करने जैसे मौजूआत पर है। मक्की सूरतों के 3 बेसिक पॉइंट होते थे, तौहीद, रिसालत और आखरत। मक्की सूरत जब भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें अहकामात नहीं होंगे, उसमें 3 चीजों पे बात की जाएगी, तौहीद, रिसालत और आखरत, जो हमें क्या बताती है
कि अगर कोई बंदा दीन की तरफ आ रहा है, हम पहले ही उससे डराना शुरू कर दे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं, पहले तौहीद की बात करेंगे, अल्लाह की मार्फत दिलाएंगे कि अल्लाह सुबहान तआला है कौन, हम क्यों अल्लाह सुबहान तआला की बात माने, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी जान पहचान कराएंगे कि रिसालत क्या है और आखिरत में आएगा आखिरत, क्योंकि जिसको आखिरत का डर होगा वही सही रास्ते पर रहेगा, जिसको आखिरत का डर नहीं है उसके लिए कुछ माने नहीं करता। अगला पॉइंट, इन आयात में कम ही कोई कानून साजी हुई है और कम ही शरई अहकाम वाजे हुए हैं, ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम का अकीदा मजबूत किया, अकायद मजबूत है तो फिर उसके बाद अहकाम मानना बहुत आसान होता है। इन आयात में अंबिया के हालात जिंदगी और इनके कसस को ज्यादा तवज्जो दी गई है, क्यों दी गई है, ताकि अंबिया के किस्से पढ़ के एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली हो कि ये होता आ रहा है, लोग नहीं मानते थे लेकिन एक वक्त आएगा जब अल्लाह की मदद होगी तो मान जाएंगे, दूसरा लोगों को भी बताया जाए कि ये सच्चे नबी हैं, ये कलाम अल्लाह का है जो इन पे वही के जरिए आता है। इस दौर की आयत हैरत अंगेज इजाज और बलागत से बहरा भरती, यानी एक्सट्रीम जबरदस्त किस्म की अरबिक थी, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था सूरह कौसर जब नाजिल हुई खाना काबा पे लगा दी गई तो इतना अच्छा वो कलाम था कि जो मुशरिक शायर था उसने पढ़ा तो उसने कहा ये कलाम किसी बशर का नहीं है, तो बहुत जबरदस्त किस्म की उनके अल्फाज थे। आखिरी पॉइंट, इन सूरतों में खास किस्म के खताबात जैसे या बनी आदम या अय्युहन्नास पाए जाते हैं, क्योंकि मक्की सूरतों में पूरी इंसानियत से बात की गई है, किसी स्पेसिफिकली किसी को मुखातिब नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मदनी सूरतों की खसूसियात, जैसे एक बंदे ने इस्लाम कबूल कर लिया, एक बंदे की नमाज भी बेहतर होगी, एक बंदे का अकीदा पूरा हो गया, फिर क्या आता है, फिर आते हैं फराइज और हदूद को इन सूरतों में बयान किया गया। आप देखिए सबसे ज्यादा अहकामात सूरह बकरा में, तलाक की बातें, वसीयत की बातें, सारे अहकामात, वो कब नाजिल हुए, मदीना में, जब अकीदा मजबूत हो गया फिर अल्लाह सुबहानो ताला ने शरीयत को बयान किया कि ये फराइज हैं और ये हदूद हैं, अब इनको मानो। मदनी सूरतें तवील होती हैं, लंबी होती हैं, और मक्की क्या होती हैं, छोटी। नंबर थ्री पॉइंट, शरई अदली मौशरती और हकूमती कवानीन ने जंग और सुलह के कवानीन मदनी आयात के अहम तरीन खसूसियत समझे जाते हैं। जो आयात या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों से शुरू होती हैं, वो ज्यादातर मदनी है, लेकिन कुछ मक्की भी है, 100% नहीं कह सकते लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 80% वो मदनी है। इन आयात में अहले किताब के फासिद अकायद की तशरीह हुई है और इनको इस्लाम की दावत के मसले पे ताकीद की गई है, यानी जो पिछले अकीदे गलत है ना, अल्लाह ताला ने बताया ये काम गलत है, जैसे मुंह बोले बेटे का अगर आपको बताओ, हमें पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, तो ये हुक्म नाजिल हो गया कि आज से मुंह बोले बेटे नहीं होंगे, इस्लाम में मुंह बोले बेटे होते नहीं होते, तो क्या हुआ, हमें पता चल गया कि ये पहले से गलत चीज आ रही थी, ये इस्लाम ने खत्म कर दी। मुनाफिकीन के हालात और इकदामात का बयान और इनके सामने मुसलमानों और पैगम्बर इस्लाम का मौकफ भी इन आयात की खसूसियत में से है। अब ये मेन पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स हो गए, अब जो मैं बताने लगी हूँ ये और ज्यादा गौर से सुनिएगा। अल्लाह हमें माफ करे, आजकल हम इख्तलाफ में ज्यादा पढ़ते हैं, अभी हम नॉलेज ले रहे हैं ना, लेकिन अभी भी मुझे पता है किसी के दिल में कोई ना कोई वसवसा जरूर आया होगा, तो अभी जो मैं पॉइंट क्लियर करने लगी उसको जरूर से सुनिएगा। ये खसूसियात की नौयत कतई और 100% नहीं है, और हर खसूसियत के लिए एक इस्तिस्ना का पाया जाना भी मुमकिन है। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा में हजरत आदम का किस्सा बयान हुआ है, हालांकि मैंने कहा था कि मक्की में है लेकिन वो तो मदनी है, लेकिन ये सूरत मक्की नहीं है, हालांकि मंदरजा बाला कवायद के मुताबिक इसको मक्की होना चाहिए था, और सूरह नसर बावजूद इसकी मजबूती तौर पे छोटी है और इसकी आयतें भी छोटी हैं, मक्की आयात से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखती है, लेकिन मक्की नहीं है बल्कि मदीना में नाजिल हुई। मक्की और मदनी सूरतों की शनाख्त के फवायद क्या है, हमें पता चल गया तो हमें क्या फायदा है। पहला फायदा है कि तफसीर कुरान के लिए मदद, हमें मदद मिलेगी, हमें बैकग्राउंड समझने में आसानी होगी। नासिख और मनसूख की शनाख्त, आयते साबका पहले नाजिल होने वाली आयात
और आयते मसबूका बाद में नाजिल होने वाली आयात की शनाख्त की मोहताज हैं, लिहाजा मक्की और मदनी आयात की शनाख्त नासिख और मनसूख की शनाख्त के लिए मुकदमा और तमदहीद समझी जाती है। अब इसको मैं आसान समझा दूं, बच्ची ने मुझे बड़े गौर से देखा है। कुछ अहकाम नाजिल हुए लेकिन बाद में वो अहकाम चेंज कर दिए, उसे कहते हैं नासिख और मनसूख। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें मक्की और मदनी से पता चलेगा कि ये हुक्म पहले नाजिल हुआ था, अल्लाह ताला ने कहा पहले ये काम करें, उसके बाद अल्लाह सुबहान ताला ने इस हुक्म को चेंज कर दिया, तो ये बाद में ये वाली आयत नाजिल हुई थी। कानून साजी के इर्तकाई सफर की शनाख्त, कैसे कानून बनाने हैं, कैसे चीजों को रन करना है, नजूल कुरान की कैफियत से आगाही, नेज असबाब नजूल की शनाख्त, कि किस सबब की बिना पे ये आयतें नाजिल हुई। जैसे वाक्य इफ्क जो है, जब हम पढ़ते हैं हमें पता चला कि क्या इसके पीछे एक वाक्य है, हालांकि उसका जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है कि ये कब नाजिल हुआ, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, तो मदद होती है। सीरत नबी से मुतल्लिक इख्तलाफात का खात्मा है, बहुत से लोगों ने जो सीरत में इख्तलाफात किए उनका भी खात्मा है कि ये चीजें इस तरह नहीं हुई। अदद सूरुल मक्की वल मदनी अल मुत्तफकुल अलैहा वल मुख्तलफुल फीहा। आगे हम देखते हैं कि सूरतों की तकसीम कैसे की गई। याद है किसी को, जब हम पिछला दौरा कुरान कर रहे थे और सूरह रहमान की हम तफसीर कर रहे थे, तो मैं आपको मक्की पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही थी, तो बीच में पता चला किसी ने कहा नहीं मेरे कुरान पाक में मदनी लिखा हुआ है, जिन्होंने अटेंड किया ना उनको ये बात याद होगी। उस वक्त मैं भी रुक गई, फिर चेक किया गया तो किसी में लिखा हुआ था मक्की और किसी में लिखा गया हुआ था मदनी, यानी दोनों चीजें मौजूद थी। तो बड़ी मुझे हैरत हुई कि ये कैसे है, और इल्म भी कम था तो समझ नहीं आई। तो जरा इस पॉइंट को भी गौर से करिएगा, मक्की और मदनी की शनाख्त का इल्म। सबसे मदनी सूरतों की तादाद 20 है, जिनमें शुमार होती हैं सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माईदा, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह नूर, सूरह अहजाब, सूरह मोहम्मद, सूरह फतह, सूरह हिजरात, सूरह हदीद, सूरह मुजादला, सूरह हशर, सूरह मुमतहना, सूरह जुम्मा, सूरह मुनाफिकीन, सूरह इतलाक, सूरह तहरीम, सूरह नसर वगैरह। इसके बाद आता है मुख्तलिफ फी सूरतें, यानी वो सूरतें जिनमें उल्मा का इख्तलाफ है, इसमें इख्तलाफ क्यों कर हुआ, इसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह यह है कि किसी सूरत का कुछ हिस्सा मक्का में नाजिल हुआ और कुछ हिस्सा मदीना में नाजिल हुआ, तो जिन सहाबा ने मक्का में उस सूरत का वो हिस्सा सुना वो समझे, वो रिवायत करते हैं कि ये सूरत मक्की है, और जिन्होंने मदीना में कुछ अहकाम सुने या कुछ सूरत के आयात मदीना में सुनी वो रिवायत करते हैं कि ये मदनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ सूरतें ऐसी हैं जो कुरान पाक में दो दफ़ा नाजिल की गई, जैसे सूरह फातिहा के बारे में ये बयान आता है कि ये दो मरतबा नाजिल की गई, और मौज़तैन सूरह फलक और सूरह नास के बारे में भी यही बयान आता है कि ये दो दफ़ा नाजिल की गई। तो मुख्तलिफ फी सूरतों में 12 सूरतें आती हैं, सूरतें जिनके मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है, जिनमें से बास के बारे में कहा गया है कि दो दफ़ा नाजिल हुई, इन्हें मुख्तलिफ फी सूरतें कहते हैं, जिसमें शामिल होती हैं सूरह फातिहा, सूरह सफ, सूरह रात, सूरह तगाबुन, सूरह रहमान, सूरह मुतफ़फ़ीन, सूरह कद्र, सूरह बीना, सूरह ज़लज़लाल, सूरह इख़लास, सूरह फलक और सूरह नास। ये कुल 12 सूरतें हैं जो मुख्तलिफ फी सूरतों में शुमार की जाती हैं। कुरान पाक की कुल सूरतों की तादाद है 114, जिनमें से 20 सूरतें ऐसे हैं जिसमें किसी को इख्तलाफ नहीं और वो तमाम उल्मा मानते हैं कि वो मदनी हैं। 12 सूरतें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ फी सूरतें हैं, यानी जिनमें उल्मा का इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ उल्मा कहते हैं कि ये कुरान पाक की कुछ सूरतें दो मरतबा नाजिल हुई, कुछ जिन सहाबा ने उन्हें मक्का में सुना उन्होंने उसको मक्की करार दिया, और जिन्होंने मदीना में सुना उन्होंने मदनी करार दिया, जैसे सूरह फातिहा और मौज़तैन के बारे में यह बात आती है। और 82 सूरतें ऐसी हैं जो मक्की हैं, और इसी तरह कुल तादाद पूरी हो जाती है 114 की। आइए अब एक वाक्य की तरफ चलते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह सुबहान तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत माल अता फरमाया, इतने ऊंट दिए कि गिने नहीं जाते थे,
इतनी गायें दी कि शुमार करना मुश्किल था। बकरियां दी, भेड़े दी, रब करीम ने उनको माला माल कर दिया। और पुराने जमाने में माल का मतलब मवेशी और जानवर ही हुआ करता था। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि इब्राहिम मेरा दोस्त है। फरिश्ता कहने लगा, अल्लाह सुबहान ताला जिसे इतना कुछ दिया जाए तो उसे दोस्त तो बनना ही होता है, नवाजा ही बड़ा है आपने। अल्लाह सुबहान ताला ने फरमाया, जाओ इम्तिहान कर लो, जान जाओगे। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जानवरों को चरागाह में चरा रहे थे। बहुत बड़ा रेवा था। फरिश्ता आया और खेत में छुप कर बैठ गया और कहने लगा, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकदम चौंके, ये मेरे रब की तस्बीह कौन बयान कर रहा है। खड़े हुए और फौरन से ढूंढने लगे कि ये मेरे रब की तस्बीह बयान करने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर आवाज़ आई, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी मीठी आवाज़ है। ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते उसके पास चले गए। पूछा, क्या तुम ही मेरे रब का जिक्र कर रहे थे? फरिश्ते ने कहा, हाँ। फरमाने लगे, फिर करना? फरिश्ते ने कहा, नहीं, पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, अब अगर आपके कहने पे करूँगा तो पैसे लगेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या लेना चाहोगे, अल्लाह का जिक्र सुना दो मुझे। फरिश्ता बोला, जितनी बकरियां हैं आपके रेवड़ में आप मुझे दे दें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा ये सब तेरी हुई, मुझे मेरे रब का जिक्र सुना दे। फरिश्ता बोला, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मसरूर हो गए अपने रब का नाम सुन के। उनका दिल बाग बाग हो गया, कैफ की हालत आ गई। फरिश्ते ने दो तीन मरतबा यही तस्बीह दोहराई और फिर खामोश हो गया। हज़रत इब्राहिम कहने लगे, खामोश क्यों हो गए, मेरे रब का नाम ले लो, मुझे दिल को सुकून मिल रहा है, मेरे दिल को सुरूर मिल रहा है। फरिश्ता बोला, जितने पैसे जनाब आपने दिए थे उसमें इतनी ही तस्बीह बयान करूँगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, तुझे और क्या चाहिए, तू वो ले ले, मेरे रब की तस्बीह बयान कर दे। फरिश्ता बोला, तमाम बैल और गाय मुझे दे दीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतना ही, जा सारी बैलें सारी गायें तेरी हुई, तू मुझे मेरे रब का जिक्र सुना दे। फरिश्ते ने फिर से तस्बीह करना शुरू कर दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ की हालत में थे, रब के नाम में डूबे हुए थे, रब की मोहब्बत से चूर चूर थे कि फरिश्ते ने तस्बीह करना फिर बंद कर दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हुआ, तू क्यों खामोश हो गया, मेरे रब की तस्बीह बयान कर, मैं अपने रब की तस्बीह सुनना चाहता हूँ। फरिश्ता बोला, जनाब आपने जो मवेशी दिए थे, जो पैसे दिए थे, उसमें इतनी ही तस्बीह होती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बता तुझे और क्या चाहिए, मैं तुझे सब दे दूँगा, मुझे मेरे रब का नाम सुना दे। फरिश्ता बोला, तमाम ऊंट जितने आपके पास हैं ये भी मुझे दे दीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बस इतना ही, जा तमाम का तमाम रेवड़ तेरा हुआ, मुझे मेरे प्यारे रब की तस्बीह सुना दे। और फरिश्ता दोबारा कहने लगा, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा सरूर मिला, दिल को ऐसा सुकून मिला कि कैफ की हालत में मशगूल हो गए। फरिश्ते ने मोतद बार तस्बीह दोहराई और फिर खामोश हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरे रब की तस्बीह क्यों नहीं बयान करता, मेरे रब की तस्बीह बयान कर। फरिश्ते ने कहा, जितने पैसे दिए, जितनी रकम दी, उसके एवज बस इतनी ही तस्बीह बयान करूँगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दो मिनट रुक गए, खामोश हो गए।
फिर बोले, तूने ये सारा रेवड़ तो ले लिया, लेकिन इसकी देखभाल के लिए तुझे खादिम की ज़रूरत तो पड़ेगी। तुझे खादिम ऐसा तो चाहिए होगा जो इनको संभाले। तो मुझे खाना ना देना, तो मुझे कुछ पीने के लेने देना, तो मुझे कोई उजरत ना देना, बस मेरे रब की तस्बीह बयान करता रहना, मैं तुझसे राज़ी रहूँगा। फरिश्ते ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा कि वाकई ही आप अल्लाह के दोस्त होने के लायक हैं। अल्लाहुम्मा तजल्ला मिन्हु। जो अल्लाह सुभानो ताला का दोस्त होता है, जो अल्लाह सुभानो ताला को हकीकतन अपना खालिक और मालिक जानता है, यकीन जाने जब अल्लाह का नाम लिया जाता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका दिल मसरूर हो जाता है, और जो लुत्फ और राहत हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो उसको अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की बातों में, अल्लाह की याद में। दोस्त वो होता है जिससे दिल के राजो नयाज किए जाते हैं, जो खुशी गमी में आपके साथ खड़ा होता है। और कोई ऐसा बंदा मैं नहीं जानती जो ना चाहता होगा कि वो अल्लाह सुभान व तआला का दोस्त बन जाए। तो हमें अगर अल्लाह का दोस्त बनना है तो हमें क्या करना है? हर जिक्र में, हर सांस में उस रब की जात को याद रखना है, अपने हर काम में भी अल्लाह को याद रखना है। जिक्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तस्बीह हाथ में पकड़ी और मखसूस टाइम के लिए अल्लाह को याद किया। काम करते हुए आपको, आप कह रहे हैं अल्लाह अकबर, और दिल में अल्लाह से बातें कर रहे हैं। परेशानी आ गई है, आप किसी को परेशान है, आपका दिल अल्लाह से हर वक्त जुड़ा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीक से भी ज्यादा करीब हूँ। आपने अल्लाह को पुकारा, उससे अपनी सारी बातें कर दी, ये अल्लाह को याद करना है। और एक टाइम पे ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दुनिया में की लोग आपकी नेसेसिटी नहीं रहते, आपको लोग नहीं चाहिए होते अपनी तकलीफ बयान करने के लिए, अपनी हाजत बयान करने के लिए, या दोस्तियां करने के लिए। और फिर दोस्त कौन बन जाता है? अल्लाह सुभान व तआला। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अल्लाह की दोस्त बनूँ, और मैं जानती हूँ मेरी तमाम बहनें भी चाहती हैं कि अल्लाह सुभान व तआला के हम दोस्त बने। तो क्या करना है? अपनी जबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है। इसी के साथ आज की क्लास को इख्तिताम करते हैं। तमाम लोग ने एक्टिविटी इस वीक की ये है कि जो भी आप घर में अपने काम कर रहे होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, या जहां भी होंगे, हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहिएगा। चाहे अल्लाह सुभान व तआला की तस्बीह करें, चाहे अल्लाह से बातें करें। आप अगर अल्लाह की कायनात को देख भी रहे और गौर व फिक्र करें, ये भी अल्लाह सुभान व तआला का जिक्र है और इबादत है। अल्लाह सुभान व तआला हमें तौफीक दे कि हमारे दिल की धड़कन के साथ हम उसे याद करते रहें। अल्लाह सुभान व तआला आप से, मुझ से राजी हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।